अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माँ कुक्स और आज मैं बना रही हूँ चिकन सैलड रेसिपी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, इसमें कोई ऑयल नहीं है, मायोनीज नहीं है, ज़ीरो कैलोरीज हैं और ये वेट लूज के लिए बहुत अच्छी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैं लूँगी 2 चिकन ब्रेस्ट स्मॉल साइज़ के और उसको क्यूब्स में कट कर लूँगी, बिग क्यूब्स में। और पानी यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप। इतना पानी लेना है कि चिकन को हमें गलाना है। अब यहाँ मैंने सॉल्ट ऐड किया है 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। अब चिकन को इसमें इतना गलाना है कि पानी खुश्क हो जाए और चिकन गल जाए, इतना पकाना है। तो चलें अब बनाते हैं अपनी सैलड। मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कट कर ली थी। ये है एवोकाडो 1, इसका छिलका उतार के मैंने इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 एप्पल, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। चेरी टोमेटो 3, ये बहुत ही मज़े के होते हैं और बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। 1 क्यूकम्बर और लेटस और बॉयल की हुई चिकन। तो यहाँ पे बना लेते हैं अब ड्रेसिंग। यहाँ पे मैंने मायोनीज की जगह योगर्ट ऐड किया है। योगर्ट ऐड करना है 4 to 5 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून, ऑरिगनो 1/4 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये स्किप कर दें। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड होगा एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर वेट लूज करने के लिए बहुत अच्छा है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और यहाँ मैं सॉल्ट कर ऐड करना भूल गई थी, यहाँ पे ऐड होगा सॉल्ट। सॉल्ट मैंने ऐड किया है 1/4 टीस्पून। अब ऐड करेंगे एप्पल साइडर विनेगर 1 टेबलस्पून और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हो गई आपकी ड्रेसिंग रेडी। अब ये ऐड हो जाएगी जो आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काटे थे सैलेड पे। यहाँ पे आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वेजिटेबल फ्रूट्स वो यहाँ आप ऐड करें। अब यहाँ पे ऐड होगा हनी। हनी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। तो ये लीजिए आपकी मज़ेदार सी हेल्दी चिकन सैलेड रेडी है। इसमें कोई मायोनीज, कोई ऑयल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ज़ीरो कैलोरीज है। तो आप इसको घर में बनाएं और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।